बताया था कि मामू के यहाँ जाना है मायो नाइट में, और कुरान खानी का भी कुछ जिक्र किया था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हाईवे पे फर्स्ट टाइम जो है वो मैं अकेली इतना बड़ा इतनी लंबी ड्राइव जो है करने से अवॉइड कर रही थी, जबकि ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी किया नहीं था। उस दिन भी मैं जब गई थी आप लोगों को विज़िट का मैंने बताया भी था कि मैंने किया है, तो उस दिन भी दिन दिन में गई थी और बहुत डर लगा था, और फिर वापस आ गई थी दिन ही दिन में। तो मैंने मामू जान से यानी अपने जो जौहर वाले बड़े मामू हैं उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी दोपहर में कुरान खानी में शामिल नहीं हो सकूँगा, दूसरे रिश्तेदार आएंगे, उनको कुछ काम था, तो उन्होंने कहा मैं आपको जो है लेता हुआ चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे इस वक्त शाहीन शनवारी और ये भूख लगी है, एक नया रेस्टोरेंट यहाँ पे जो है ओपन हुआ है, वहाँ उनका वेट कर रही हूँ। और ये आपको जो रोड नज़र आ रही है ये है हाईवे की रोड। अब मामू जान जब आएंगे तो यहाँ से मुझे कॉल करेंगे और फिर हम लोग जो है उनके साथ अपना सफ़र इख्तियार करेंगे, और मेरे ख्याल से ये शायद उन्हीं की गाड़ी है, चलें देखते हैं आगे। Thank you.
ये जनाब मायो नाइट थी हमारी, और माशाल्लाह से बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया, नाचे गाए ढोल धमक्का सब कुछ हुआ। अब यहाँ पे आखिर में मानी, यानी मेरी जो सबसे छोटी मानी है जिनके बेटे की शादी हो रही है, उनको मैं मानी कहती हूँ, तो वो जो है जोड़े दे रही है सारी अपनी नंदों को और दोनों जेठानियों को, यानी मेरी दोनों बड़ी मुमानियों को और सारी खालाओं को और अम्मी वगैरह को ना, सबको ये सूट दिए जाते हैं जो भात में। और ये अम्मी अपना खाना खा रही हैं, और इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।